नमस्कार, मैं हूं संतोष गुप्ता और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें, देश की बात सच के साथ। दोस्तों, अनुभवी आंखें पर आपका भरोसा निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। यही वजह है कि अनुभवी आंखें आपकी पहली पसंद है। आपके हक हुकूक की लड़ाई के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं और इस मुहिम को बनाए रखने के लिए हमारा हौसला अफजाई भी आपका ही काम है। आप चैनल को अगर पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं तो उसे भूल जाइए। एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दीजिए ताकि सब्सक्राइब हो जाए, और घंटी बनी हुई है उसे भी टच कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारी खबरों का तुरंत मिल सके, आप अपने पसंदीदा चैनल को देख सके। आपके सब्सक्राइब करने के बाद निश्चित रूप से हमारा हौसला बढ़ेगा और हम बेहतर तरीके से आपके हक हुकूक की लड़ाई लड़ पाएंगे। इस मुहिम से जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए। बिहार का सहरसा बाढ़ पानी से जहां त्राही मान कर रहा है, वहीं अनाज की गड़बड़ झाला को भी झेल रहा है। भूखों मरने के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। आपको बता दें कि अनुभवी आंखें को लिखित आवेदन दिया गया है और उस आवेदन में गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार और झारखंड का दौरा करके हजारों करोड़ की सौगात दे रहे हैं, भूखों गरीबों के लिए निःशुल्क मुफ्त अनाज वितरण करते हैं, लेकिन यहाँ के जनवितरण प्रणाली के दुकानदार साहब, वैसे तो जनवितरण प्रणाली की शिकायतें अक्सर आती है और हर जगह से आती है, लेकिन ये साहब तो कुछ अलग ही गर्मी में है। जरा सोचिए कि साफ शब्दों में ये कहते हैं कि आपको जो करना है कीजिए, ऐसा ही गंभीर आरोप जनता लगा रही है। अच्छा, ये बताइए आपको कितना केजी अनाज मिलता है, वो बताइए कितना किलो? 35 किलो। और जब उतना चावल मिलता है तो आप कितना रुपया देती है और कितना किलो अनाज मिलता है, वो बताइए। दो रुपया एक्स्ट्रा ले रहा है, दो रुपया आपको कितना उतना चावल मिलता है, वो बताइए। 20 किलो एक महीना में। एक महीना में 20 किलो, आप कितना रुपया देते हैं उनको? उतना में दे छिए अरवा में दे छिए 120, उतना में दे छिए 160। अरवा में 120 रुपया और उसना में 160। आप अपना नाम बताइए। जानकी देवी। और डीलर का नाम? सहदेव पंडित। सहदेव पंडित, ये कौन सा गांव है? बलवा। वार्ड नंबर 14। क्या दिक्कत है और क्या समस्या है आपकी? दिक्कत है, हमको 40 किलो अनाज मिलते है, 20 किलो को 160 रुपया लिया। कितना किलो का 107 रुपये लिया है? 20 किलो को, 20 किलो के 120 होना चाहिए थे, वो बोला नहीं तो वो बोला कि सर 120 रुपया आ फ्री वाला को 2 रुपया किलो अलग। के जी अनाज है टोटल? टोटल 40 किलो। 40 किलो का कितना पैसा लिया है? 40 किलो को 20, 40 किलो 20 किलो तो फ्री हुआ जी, और 20 किलो के 160 रुपया। ये कब से मतलब ये रेट है? ये फर्स्ट डे में हमको लिए है। फर्स्ट टाइम से आपसे लिए है? और इससे पहले क्या रेट था? पहले 4 टके गेहूँ चावल और 3 टके गेहूँ। पहले 4 रुपये और 3 रुपये था हमारे। सब दिन आते चाहे ना उसना जब आप जाए ना जी। आप अपना नाम बताइए। श्याम सुंदर साहब। श्याम सुंदर साहब जी, कितना नंबर वार्ड में? 14 में। गाँव का नाम? बलवा। पंचायत? मैसरो। प्रखंड? प्रखंड महेशी। जनता कहती है कि जब उनसे मुफ्त अनाज मांगा जाता है तो वो उसके लिए भी 2 रुपए 3 रुपए प्रति किलो लेते ही हैं और कहते हैं यहाँ मुफ्त कुछ नहीं है। गंभीर आरोप तो यह भी है कि जो अनाज निर्धारित दर पर दिए जाना चाहिए उसकी भी कीमत दोगुनी वसूली जाती है। जी हाँ, इतना ही नहीं, इन सब के अलावा सीधा धमका दिया जाता है। हमारे संवाददाता जीतू कुमार ने खास पड़ताल की, लोगों से बातचीत की और क्या कुछ लोगों ने कहा देखिए। जी आप बताइए, कितना केजी चावल मिला आपको? 46 किलो। 46 किलो, कितना रुपए लिया है? 200 रुपए लिया है। और एक काट में कितना किलो काटा है अनाज? काटा है कितना किलो? 4 किलो। आपका नाम? गीता देव। कौन सा वार्ड? 16 वार्ड। पंचायत? मैसरो। प्रखंड? महसी। डीलर का नाम? सहदेव पंडित। सहदेव पंडित जी, बताइए क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? जी राशन में जो सबसे ज़्यादा पैसा लेता है और वो अपने अपने मनमानी से जो है अपने पैसे के लेता है, और किसी को जो बिल जो है वो पर्ची निकाल करके नहीं दे रहा है, वो अपने रख लेता है, 2-3 दिन के बाद वो पर्ची से पैसा नहीं लेता है, पर्ची के हिसाब से पैसा नहीं दे रहा है।
और रिसीविंग जो है सो जो रिसीविंग किसी को नहीं देता है, ईपीएस मशीन के माध्यम से जो रिसीविंग निकलता है वो आप लोग को नहीं मिलता नहीं, है वो रिसीविंग नहीं देता है, देखने के लिए भी नहीं देता है। जी आप ये बताइए जो आपको कितना यूनिट है? यूनिट है 7 यूनिट है जी। कितना अनाज होता है? अनाज 77 किलो जी। कितना रुपये लिया है? 380 रुपया लिया है। 380 रुपये लिया है जी। आप एक बार फिर बताइएगा कितना किलो अनाज मिलता है आपको? 77 किलो मिलता है। और कितना रुपये लिए हैं? 380 रुपया लिया। 380 रुपये लिया है। तो ये बताइए डीलर का नाम बताइए। सहदेव पंडित जी। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 12। कौन सा पंचायत है? मैसा पंचायत। प्रखंड? महसी। महसी। आपको कितना केजी अनाज मिलता है टोटल महीना में? महीना मिलता है 2 कंटर 4 किलो, 4 यूनिट। कंटर से अनाज दे रहा है? कंप्यूटर पर देख नापता है। कंप्यूटर पे देख नापता है? तो आप तो बोले जो कंटर में नापता है। कंटर से देख नापो। हाँ तो कितना किलो आपको अनाज मिलता है? चावल मिले 4 किलो, अथी गहूँ मिले 2 कंटर अनाज मिले, चौर चार, मात्र 4 केजी ही मिलता है गेहूँ। 4 केजी, 4 किलो अभी मिल रहेगा। 4 केजी। आपका नाम कितना है राशन कार्ड में आपका? 4 यूनिट। 4 यूनिट है जिसमें 4 केजी गेहूँ मिला है। और चावल? चावल 2 कंटर। तो 15 × 2 = 30 किलो हुआ। 30 किलो चावल और 4 किलो गेहूँ। कितना रुपये लिया है? 160 रुपये। 160 रुपये लिया है। 30 किलो गेहूँ चावल का और 4 किलो गेहूँ, 160 रुपये। आपका नाम? फुलकुमारी देवी। फुलकुमारी देवी। डीलर का नाम? डीलर का नाम सहदेव। सहदेव जी। चावल मिला है कितना किलो? कितना रुपये लिया है? 160। 160। और नाम क्या है? अभिमन्यु। कौन सा वार्ड? 13। डीलर का नाम? सहदेव पंडित। सहदेव पंडित। पंचायत? मैसा। प्रखंड? महसी। जी बताइए क्या समस्या है? ये यानी कि 1 महीने का जड़ राशन आया है, उसमें से है ना 6 रुपये लिया है। 6 रुपये उसके बाद मैंने पापा को बोला, फिर मेरा पापा ने गया ना, यानी कि उसमें से 100 रुपये वापसी किया है, बोला आप नहीं घुरेगा। कितना मतलब जो है सो पैकेट कितना केजी चावल? 1 क्विंटल चावल दिया था। 1 क्विंटल? हाँ 1 क्विंटल चावल। आप घर पे जब गए तो उसको वजन किए तो वजन कितना केजी था? 45 किलो था। 45 किलो था। 90 किलो। हाँ कहाँ है? पंडित है। कौन सा वार्ड है? वार्ड है 14 में। क्या दिक्कत है? दिक्कत तो यह है हम जो अभी मिल रहे हैं जी बताइए 100 रुपये चावल और 100 रुपये गेहूँ देता है? 16 किलो ये चावल जी, 4 किलो गेहूँ। 20 केजी अनाज मिला आपको और 80 रुपये लिया है, तो ये 8 रुपये हो गया। डीलर का नाम बताइए। सहदेव पंडित। सहदेव पंडित जी। ये कौन सा वार्ड है? 12। कौन सा वार्ड है? 12। वार्ड 12। पंचायत का नाम बोलिए। मैसूर। प्रखंड? मैसूर। दिक्कत है चावल जो 8 रुपये केजी दे रहा है जी, 2 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है, उसमें जो वापस मतलब फ्री वाला दे रहा है उसमें भी 2 रुपया दे रहा है। उसको पूछे रेट क्यों बढ़ाए तो बोला 2 रुपया एक्स्ट्रा लगता है। कितना रुपये केजी बोले आप? 8 रुपये केजी लेता है। 8 रुपये केजी जी। डीलर का नाम बताइए। सहदेव पंडित। सहदेव पंडित जी। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 14। गाँव का नाम? बलुआ। पंचायत? मैसरो। प्रखंड? महसी। महसी। आपका नाम? चित्तरंजन कुमार जी। चित्तरंजन कुमार। चित्तरंजन कुमार। जैसा कि आपने देखा कि लोग गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि हर अनाज को 2 गुनी कीमत पर देते हैं, मुफ्त के अनाज को भी कीमतों पर ही दिया जाता है, और यही नहीं प्रत्येक राशन कार्ड पे अनाज की कटौती भी की जाती है 1 किलो से 4 किलो तक, यानी प्रत्येक राशन कार्ड पे। और साफ शब्दों में वो अधिकारी को इसमें घसीटते हुए कहते हैं कि आपको जहां जाना है जाइए, क्योंकि हम नीचे से ऊपर तक सेवा करते हैं, रिश्वत का बाजार गर्म है, और ऐसे में अगर कोई भी अधिकारी तक आप कुछ भी पहुंचाते हैं तो यह आपके अपनी स्वेच्छा से करते हैं। गरीब के पेट को काटकर किसी अधिकारी की जेब भरने का अधिकार आपको नहीं मिलता है, और यह कानून अपराध है। देखना होगा कि आखिरकार प्रशासन, सहरसा प्रशासन किस तरह इसकी उचित जांच करती है और उचित कार्रवाई भी। जनता के हक हकूक की लड़ाई हम यूं ही लड़ेंगे और आपके सामने उनकी समस्याओं को भी रखेंगे।
आप शासन में हैं, आप सरकार में हैं, कुछ तो कीजिए। आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अनुभवी आंखें, क्योंकि हम करते हैं देश की बात सच के साथ।